ओ हेलो, मैं इस मिनट में आपका स्वागत है। और सच कहूँ तो मेरे पास बस एक ही मिनट है, क्योंकि मैं वापस एल्मो के पास जाना चाहती हूँ। पता है, इन दिनों उसके हर दिन के रूटीन में आए बदलावों की वजह से काफी स्ट्रेस में रहता है। ये सुनकर शायद आपको भी हैरानी हो रही होगी। एक दिन मैंने अपनी दोस्त सारा को बताया कि एल्मो आजकल काफी स्ट्रेस में है, और सारा ने कहा, उसे कैसे स्ट्रेस हो सकता है, वो तो अभी एक बच्चा है। तो मैंने उसे बताया कि बच्चे भी उतने ही स्ट्रेस्ड हो जाते हैं जितने बड़े लोग होते हैं। पता है, स्ट्रेस होना आम बात है, लेकिन शायद बच्चों के पास आपको ये समझाने के लिए शब्द नहीं होते कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। इसलिए हो सकता है उनको सिर दर्द या पेट दर्द जैसी परेशानियां होने लगे, या उनका बर्ताव अजीब हो जाए, या आपसे बुरा बर्ताव करने लगे। वो शायद अचानक ही आपसे बस चिपके रहे, या फिर अकेले रहने से डरने लगे। लेकिन एल्मो की बात कहूं तो उसे सोने में काफी परेशानी होती है, लेकिन ऐसी कई चीजें हैं जिनसे हम उनकी मदद कर सकते हैं। जैसे कि एल्मो के साथ हम कोशिश करते हैं उसे नए शब्द सिखाने की, जिनसे वो अपनी फीलिंग्स बता सके और अपने इमोशंस को नाम दे सके, जैसे परेशान होना या डर लगना। और इन सब बदलावों के बावजूद भी एक नियमित पक्का रूटीन होना बहुत ही मददगार साबित हो सकता है, जिस पर आप दोनों भरोसा कर सकते हैं। एल्मो और मैंने हर दिन खेलने के लिए एक टाइम सेट किया है। ऐसी एक्टिविटीज करना जो शांत और फोकस्ड हो, जैसे ड्राइंग या किसी खिलौने से खेलना जिससे आराम मिल सके। एल्मो को तो कलरिंग भी बहुत पसंद है। आपको पता है, अपने बच्चे को स्ट्रेस से लड़ने में मदद करने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है उन्हें कंट्रोल की भावना महसूस कराना। एल्मो को खेलने के वक्त हमारी एक्टिविटीज या खेल चुनना पसंद है। इस बात से याद आया, एल्मो तुमने सोच लिया कि क्या खेल खेलना है? हाँ मम्मी, एल्मो तैयार है। बहुत अच्छे बेटा। तो ये था मेरा मिनट।